जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हम लोगों ने कल तक क्या बात की थी? हम लोगों ने बेसिकली डिफरेंस देखा था ऑफ व्हाट हमने पढ़ा था। मैं रिकैप दे देता हूँ आप लोगों को। हमने बेसिकली कल क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था इनकम क्या होती है। आप लोगों को कोई कंफ्यूजन है इस पे, इनकम क्या होती है? कंफ्यूजन है किसी को कि इनकम क्या होती है? नो सर, अच्छा, फिर टोटल इनकम, इस पे कोई कंफ्यूजन? नो सर, अच्छा, उसके बाद हमने पढ़ा था डिडक्शंस, इस पे कोई कंफ्यूजन? नो सर, क्लियर था। अच्छा, उसके बाद हमने पढ़ा था टैक्सेबल इनकम, कंफ्यूजन? देखो, मैं अभी नहीं ये सर, टेस्ट लूंगा, मुझसे भी पूछ लो, नहीं तो मैं अभी पूछना शुरू करूंगा आप लोगों से। अगर आपको नहीं मसला तो मैं अभी पूछना शुरू करूंगा। अच्छा है तो बता दें। अच्छा, उसके बाद हमने पढ़ा था रिजीम्स, टैक्स रिजीम्स, ठीक है? किसी को कोई कंफ्यूजन? कोई नहीं। अच्छा, उसके बाद हमने टैक्स लायबिलिटी पढ़ा था। हमने एक चीज पढ़ी थी डिडक्टेबल अलाउंसेस। कंफ्यूजन है किसी को? क्वेश्चन नहीं है? चैट में लिख के देना नो ताकि मुझे पता चल। अच्छा, बहुत सारे, ठीक है। अच्छा, आसिफ भाई बताएं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिडक्शन एंड डिडक्टेबल अलाउंस? डिडक्शंस होती हैं। जो डिडक्शंस है ना, वो हमारे पास जो ज़कात वगैरह होगी, जो हुकूमत ने अलाउ किए हुए हमारे टैक्स में से चीज़ें हम काट सकते हैं, वो चीज़ें होंगी। और डिडक्टेबल अलाउंस वो जो हमने पहले से पे किए हुए वो डिडक्टेबल अलाउंसेस होंगे। डेफिनेशन बताइए, डेफिनेशन, व्हाट इज द डेफिनेशन? डेफिनेशन पूछिए मैंने। डेफिनेशन डिडक्शन होती क्या है, ये बताएं, उर्दू में बता दे, इंग्लिश में ना बेशक बताएं। सर, उर्दू में अभी बताई थी कि नहीं, मतलब उर्दू में वो आपने अमाउंट प्रॉपरली जो बताया नहीं है ना। हाँ, वो अमाउंट जो मतलब जो हम लोग मतलब गवर्नमेंट ने हमें अलाउ की होती है गवर्नमेंट कि ने अगर अलाउ वो की हमने है, ठीक है? मतलब टैक्स ने हमें अलाउ की है कि अगर वो हम पे कर चुके हैं, जैसे ज़कात फंड्स वगैरह है, तो वो हम डिडक्शंस होंगी हमारी। कहाँ से माइनस करोगे? सर वो टोटल इनकम में से, नहीं, एक अच्छा सेकंड ठीक है। नहीं, एक एक सेकंड सॉरी, मैं एक्चुअली सेटिंग कर रहा था, मैं अभी पहुंचा था तो रजिस्टर वगैरह नहीं देखा मेरे पास। यार ये आपको बहुत नॉन सीरियस एटीट्यूड है। आपने एक लफ्ज नहीं पढ़ा जो मैंने कल आपको बताया है। हेलो, सुन रहे हो? जी सर, जो डिडक्टेबल अलाउंसेज है ना, वो जो हमारे पास ज़कात वगैरह सेक्शन 60 में, तो यार उसकी मैंने आपसे सीरीज। सेक्शन नंबर नहीं पूछा, मैंने आपसे पूछा कि ये होते क्या है। मैंने आप मुझे ये बताएं कि होते क्या है। कल मैंने आपको इतनी लंबी तफसील बताई, अभी मैंने आपसे पूछा कि आपको कोई कंफ्यूजन है, आप कह रहे हो कंफ्यूजन नहीं है। आपको फिर क्यों नहीं चीजें आ रही? आपने घर जाके देखा नहीं है कि मैंने क्या पढ़ाया आपको? ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, पूरा टैक्स का ऑर्डिनेंस कॉन्सेप्ट के ऊपर खड़ा हुआ है, आपको इन चीजों का पता ही नहीं है। ये हमजा बताओ, ये टैक्स रिजीम क्या होती है? हेलो हमजा, आवाज आ रही है?
हेलो हमजा, आवाज आ रही है? नायाब, आपको आवाज आ रही है मेरी? यस सर, आ रही है। अच्छा आप बताएं, टोटल इनकम और टैक्सेबल इनकम में क्या फर्क होता है? सर, सम ऑफ ऑल हेड्स ऑफ इनकम जो होते हैं उन्हें टोटल इनकम कहते हैं। जब आप सारे हेड्स जो होते हैं हमारे पास उनके सम लें तो आपके पास टोटल इनकम आती है। और टैक्सेबल इनकम होती है अगर आप टोटल इनकम में से सब्सट्रैक्ट कर देना एग्जाम्प्ट इनकम और डिडक्टेबल अलाउंसेस को, तो आपके पास टैक्सेबल इनकम आती है। चलिए ठीक है। हमजा हमजा आवाज आ रही है मेरी? सर वो यहाँ पे नहीं है, उसका मोबाइल यहाँ पर है, वो ऊपर गया हुआ है। सुभान अल्लाह, कैसे पढ़ेंगे यार आप? तो नॉन सीरियस एटीट्यूड है, आपको मजाक लग रहा है कि ये सब्जेक्ट इतना आसान नहीं है जितना आप लोग इसको समझ रहे हैं। यार सिर्फ आपने घर जाके नहीं पढ़ा, मुझे ये बताओ नो सर, यार, तो कैसे चलेगा? एक चैप्टर पूरा करा तो दूसरा आज या कल मैं खत्म कर दूंगा, कैसे करोगे? आपको पता है आपने 4 पेपर देने, 4 पेपर इज नॉट अ जॉब कि ये आपने वो कोई मंत्र पढ़ना और ये हो जाएंगे। आपको बेसिक जब तक कॉन्सेप्ट्स नहीं आएंगे तब तक कैसे करोगे यार? आपने ये नहीं पढ़ा, आपने तो मुझे घर पिछला सर दिन हल्का पढ़ा। बोल हल्का फुल्का आता है मतलब। फिर हल्का फुल्का आने का हाँ क्या मतलब है? आपने घर जाके देखे ही नहीं, एक चीज मैंने आपको कल इतनी डिटेल से बताई है, हल्का फुल्का का मुझे मतलब नहीं समझ आ रहा है। आपने मुझे जो चीज बताई है ना, आपने मुझे डिडक्टेबल अलाउंस की डेफिनेशन बता दिया डिडक्शन के अंदर। जैसे वो पहले मैंने एक्चुअली मैं रजिस्टर वो सेटिंग कर रहा था, मैंने रजिस्टर वगैरह नहीं देखे ना, आपको घर जाके जब मैंने आपको एक चीज पढ़ाई है तो आपका काम है ना घर जाके आपको देखें, आपको पढ़े ताकि आपको पता हो कि पढ़ाया क्या है मैंने। जैसे। आप पहली बार पढ़ रहे हो ये चीजें, आपने पहले नहीं पढ़ी हुई। जी सर, इसका ख्याल रखें, ऐसा अब नहीं हो, ऐसे नहीं चलेगा। पेपर आप लोग हैं, मुझे मसला कोई, मैंने तो पढ़ा के फीस लेके साइड पे हो जाना, मसला आप लोगों के, आप लोगों के फ्यूचर के। मैं इतनी ज्यादा मेहनत करूँ, आप अभी किसी जगह चले जाओ ना, वैसे आप नेट पे बेशक लेक्चर खोल के देख लो, वो इतनी डिटेल चीजें नहीं बताते। सर सॉरी सर, नेक्स्ट टाइम नहीं होगा इंशाल्लाह। हाँ, हमजा आया या नहीं इंशाल्लाह आया? सर, नहीं आया अभी तक। स्टार्ट करें फिर, अब मैं क्या करूँ, टाइम भी थोड़ा है हमारे पास, लिमिटेड टाइम होता है बहुत। सर एक तो आई कैप और लंदन किया ना, बुक्स नहीं मिल रही यार हार्ड बाउंड की बात करो, सॉफ्ट की कर रहे हो? सर, ना हार्ड है ना सॉफ्ट है, दोनों ही नहीं है। सॉफ्ट तो मैंने ग्रुप में भी भेजी थी और आपको पर्सनली भी भेजी थी, आपको व्हाट्सएप पे रिसीव नहीं हुई यार? सर टैक्स की तो नहीं थी मेरे ख्याल में, दूसरी थी, एफ आर वन की थी वो। मैंने तीनों भेजी थी ग्रुप के अंदर, ऑर्डर मैसेज आपने देखी नहीं। मसला सर, ये है, ओह सी चले यस जी यस स्टार्ट सर, सॉरी मैंने करते हैं। देखी नहीं है वो वो, यही बहुत ना, ऊपर आप पड़ी है। अपना अपना कितना नॉन सीरियस एटीट्यूड है। ये आपको लग पता जाना है, आपको ये भी लग रहा है जोक। ये जब अभी तो हमने सिर्फ बेसिक वो जिसको कहते हैं ना नीचे, वो बुनियादें, बुनियादों पे भी नहीं पहुंचे, सिंपल सिंपल चीजें बता रहा हूँ, और बहुत आसान करके बता रहा हूँ। ये लग पता सर जाएगा जब हम ये थोड़ा सा आगे चलेंगे ना, तो जब इसमें मुश्किल चीजें आएंगी। अच्छा जी शुरू करते दरअसल हैं। आपकी क्लास में ना समझ लग जाती। देखिए मैं अभी ये अर्ज कर रहा हूँ ना कि क्लास में तो समझ आ जाती है, जब तक आप घर जाके इसको खुद नहीं देखेंगे फिर आपको कैसे समझ आएगी? हमारा दिमाग वो तो नहीं है ना कि मतलब सुना और आपको सुपरमैन तो नहीं है कि सुना और वो लाइफ टाइम के लिए याद रह गया। यस हमजा आया या नहीं आया? सर, आ गया है। हमजा मेरी आवाज आ रही है ना आपको? हमजा को आवाज आ रही है मेरी? यस सर, अच्छा मुझे ये डिडक्शन और डिडक्टेबल अलाउंस में फर्क बताओ, क्या फर्क होता है? हेलो आवाज आ रही है?
यस सर। सर डिडक्शन जो होती है ना वो हमारे ना हेड ऑफ इनकम से वो अलाउड होती है, हेड ऑफ इनकम से माइनस होती है। यस सर। और डिडक्टेबल अलाउंस क्या होता है सर? डिडक्टेबल अलाउंस हमारी टोटल इनकम से। ये डिफरेंस होता है जी, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं था कि ये इसकी डिटेल्स तो मैंने पढ़ाई ही नहीं थी अभी, ये चीजें मैंने पढ़ाई थी, ये आपको आनी चाहिए थी यार इसकी। अच्छा जी चले आगे। सॉरी सर, आप लोगों को अगर कोई मेथड में मसला है, कोई ज्यादा डिटेल में जाना चाहते हैं तो मुझे बता दें, या और कोई किसी चीज में चेंज करना चाहते हैं तो बता दें, टाइम ज्यादा करना चाहते हैं तो बता दें, मुझे कोई मसला नहीं है। मैं आप लोगों के लिए कहता हूँ कि आपके ऊपर वो भी इतनी ज्यादा बम्बार्डमेंट ना हो जाए चीजों की, लेकिन मेहरबानी करें अच्छे से तैयार करें, ये अब फेल नहीं करना। वैसे भी आपको इंडस्ट्री के हालात नहीं पता, आर्टिकल्स नहीं लिखने थे बच्चों को, रोज हमारे पास सीवीज आई होती हैं 25, 26, 27 आर्टिकल जो नहीं मिल रहे। तो अगर आप लोग नहीं मेहनत करेंगे तो आपके पेपर जल्दी नहीं पास होंगे, पेपर जल्दी नहीं पास होंगे तो मतलब बिग फोर में तो फिर आप बोल ही जाए ना, बिल्कुल टॉप टेन में ही बोल दें, टॉप टेन में भी अभी FPS ज्यादा ले रहे हैं, जितना जल्दी करेंगे उतना जल्दी आपका फायदा है। अच्छा जी हम स्टार्ट करते हैं, हमने पढ़ा था डिडक्टिबल अलाउंसेस पढ़े थे हमने, हमने कहा था कि हमारे पास डिडक्टिबल अलाउंसेस क्या होता है, जब हम टोटल इनकम में से लेस करते हैं ना, ये हमने पढ़ा था कि हम पढ़ेंगे, यानी कुछ चीजें हम लेस करते हैं तो हमारे पास क्या आती है, टैक्सेबल इनकम। पूरी चीजें हम जो लेस करते हैं ना उसमें पहले हमारे पास एग्जेम्प्ट इनकम आती है, ये हम पढ़ेंगे क्या होती है, और साथ हम क्या लेस करते हैं, डिडक्टेबल अलाउंसेस। ठीक है जी, अब डिडक्टेबल अलाउंसेस जो हमारे पास होते हैं ना वो कौन कौन से हैं जी? पांच डिडक्टेबल अलाउंसेस। पहला कौन सा है? 60, ज़कात। ये भी बल्कि मैंने आपको पढ़ा दिया था शायद। ज़कात क्या होता है जी? कि अगर आप ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस 1980 के मुताबिक अगर आप ज़कात काटते हो ना और जाके जमा करा देते हो तो आपको क्या मिलता है जी? जितनी अमाउंट ऑफ ज़कात आपने जमा कराई होती है ना काट के डिडक्ट करके, वो आपको क्या अलाउड हो जाता है, डिडक्टेबल अलाउंस। ठीक है जी, फिर मैंने कहा था इसके अंदर एक छोटी सी ना एक इसके अंदर वो एक ट्रिक एक और प्रोविजन भी है, वो प्रोविजन क्या है, बिल फर्ज आप कमाते हो प्रॉफिट ऑन डेट, प्रॉफिट ऑन डेट क्या होता है एनीवन? मतलब जो हमने लोन वगैरह जी जो आप अकाउंटिंग की जबान में इंटरेस्ट बोलते हैं ना, टैक्स की जबान में आप उसको क्या बोल रहे होंगे, प्रॉफिट ऑन डेट। ठीक है जी, अगर आप प्रॉफिट ऑन डेट कमाते हो और इसके ऊपर ज़कात कटती है ठीक है जी, अगर आप सूद कमाते हैं प्रॉफिट ऑन डेट कमाते हो इसके ऊपर ज़कात कटती है, तो ये ज़कात आपको डिडक्टेबल अलाउंस नॉट अलाउड, डिडक्टेबल अलाउंस अलाउड नहीं होती। ठीक है जी, फिर ये क्या अलाउड होती है, ये आपको ऐसा डिडक्शन अलाउ होती है, क्या अलाउ होती है जी, ऐसा डिडक्शन आपको अलाउ होती है। क्या मतलब है जी इसका, इसका मतलब कैसे, इसको आप न्यूमेरिकली कैसे सॉल्व करें? मैं आपको न्यूमेरिकली तो नहीं करवा रहा अभी, अगर आपको ना समझे तो एग्जांपल क्रिएट कर दूंगा, लेकिन मैं आपको समझाने की कोशिश कर देता हूँ। ये हमने पढ़ा था ना कल, हमने कहा था कि जो डिडक्टेबल अलाउंस है वो यहाँ से माइनस होता है, ये यहाँ से राइट, इस जगह से ठीक है। तो अगर वैसे ज़कात आप काटते हो ना ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस 1980 पे, तो वो ज़कात की अमाउंट जो है ना वो यहाँ से माइनस हो जाएगी, लेकिन इफ दैट अमाउंट ऑफ ज़कात इज डिडक्टेड फ्रॉम अ प्रॉफिट ऑन डेट, आपने प्रॉफिट ऑन डेट कमाया है, अच्छा प्रॉफिट ऑन डेट, तो वो फिर क्या होगी, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में से माइनस हो जाएगी यहाँ से, वो क्या अलाउ होगी, एज अ डिडक्शन अलाउ होगी। ये कैसे होगा मैं आपको न्यूमेरिकली डिमॉन्स्ट्रेट कर देता हूँ बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए।
फॉर एग्जाम्पल सपोज करें जी मिस्टर ए अर्न प्रॉफिट ऑन डेट अमाउंटिंग टू PKR फॉर एग्जाम्पल 2,50,000 एंड ज़कात डिडक्टेड ऑन अमाउंट इज फॉर एग्जाम्पल 2.5% लें जी इसका 5,000 साढ़े सात हजार ठीक है जी, बिल फॉर 7,500 रुपया बनते हैं। कंप्यूट टैक्सेबल इनकम, ठीक है जी। टैक्सेबल इनकम कैसे कंप्यूट करोगे, ऊपर लिखोगे आप इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, क्योंकि ना ये देखो ना ये आपका रेंट है, ना आपकी सैलरी है, ना आपकी ये सॉरी ना आपका प्रॉपर्टी से यानी रेंट भी नहीं है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी भी नहीं है, ना आपकी सैलरी है, ना आपकी ये बिजनेस से आया है, ना आप एक शेयर बेचने से यानी कैपिटल गेन भी नहीं, तो ये क्या होगा आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, जो कहीं ना आ रहा हो वो कहाँ पे होता है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स यहाँ पे 2,50,000 आ जाएगा। इसमें से ये ज़कात की अमाउंट आपको क्या अलाउ हो जाएगी, रिडक्शन, ये इसी के अंदर से माइनस हो जाएगा, ठीक है जी। ये आपके पास आ जाएगा 243,500, सही है। तो ये आपके पास अब क्या आ जाएगी, टोटल इनकम, राइट। और इसके अंदर से फिर लेस होगा कोई डिडक्टेबल अलाउंस, कोई इसमें डिडक्टेबल अलाउंस पे किया है ना वो यहाँ से माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे आपके पास टैक्सेबल इनकम आ जाएगी। समझ आ गया आपको न्यूमेरिकली कैसे करने? यस सर। अच्छा, बिल फर्ज ये ऐसे ना लिखा होता, ये लिखा होता कि आपने प्रॉफिट ऑन डेट पे नहीं पे की, बल्कि किस पे की है आपने, फॉर एग्जांपल पे की है फॉर एग्जांपल किसी आपने वैसे ज़कात किसी इन्वेस्टमेंट पे फॉर एग्जांपल पे कर दी है, इन्वेस्टमेंट विड्रॉ की उसके ऊपर पे कर दी है, ठीक है। तो फिर क्या होता, फिर ये ऐसे इसकी टैक्सेशन ऐसे होती थी, किसी और इनकम पे फॉर एग्जांपल पे कर दी तो इसकी टैक्सेशन ऐसे होनी थी, फिर ये यहाँ से माइनस नहीं होना था ये वाला पोर्शन, ठीक है। ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्स 2,50,000 यहाँ पे आ जानी थी, टोटल इनकम कितनी आ जानी थी 2,50,000, इसमें से यहाँ से डिडक्टेबल अलाउंस माइनस हो जाना था, और ये आपके पास ये आंसर आना था, ठीक है। टैक्सेशन में फर्क देखे आपने, अगर तो प्रॉफिट ऑन डेट पे हुई है तो फिर यहाँ से डिडक्शन अलाउ हो जाएगी, और अगर प्रॉफिट ऑन डेट पे नहीं कटी, वैसे ज़कात एडमिशन ऑर्डिनेंस के अंदर कटी है, तो फिर यहाँ पे फर्क समझ आ गया ना आप लोगों को? हाँ जी, वो चैट में लिख दे मुझे, आया ये नहीं आया, ठीक है जी, चले आगे। अच्छा, ज़कात का जी ये था, आगे क्या होता है जी, आगे सेक्शन 60 जो है ना आपके पास 60A है। अच्छा, आपको सेक्शन नंबर याद नहीं रखने, सेक्शन नंबर आपके पेपर के लिए पहले रखते हैं। सेक्शन 60A क्या कहता है जी, WWF क्या होता है, वर्कर्स वेलफेयर फंड, ये क्या होता है, ये बेसिकली कंपनीज पे लगता है, किस पे लगता है जी, कंपनीज पे, और ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है 2% ऑफ टैक्सेबल इनकम के। अब ये आपके कोर्स में है नहीं, इसलिए मैं आपको इसकी एग्जांपल नहीं करा रही, मैं आपको पढ़ा देता हूँ। इस तरह सेक्शन 60B जो है ये भी किस पे अप्लाई होता है, कंपनीज पे, ठीक है। ये दोनों हमारे कोर्स में नहीं है, क्योंकि ये हाँ हमारे कोर्स में कंपनी की टैक्सेशन नहीं है, बल्कि हमारे कोर्स में इंडिविजुअल EOP की, ये मैं आपको पढ़ा देता हूँ ये होते क्या हैं, क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा आपके लिए, इसलिए मैं आपको ना सिंपल इसकी पढ़ा देता हूँ कि होते क्या। अ पर्सन शैल बी एंटाइटल्ड टू अ डिडक्टेबल अलाउंस फॉर एनी अमाउंट ऑफ एनी वर्कर्स वेलफेयर फंड पेड बाय द पर्सन इन द टैक्स ईयर अंडर वर्कर्स वेलफेयर फंड ऑर्डिनेंस 1971, ठीक है जी। अगर आपने कोई भी कंपनी ने, पर्सन से बुरा यहाँ कंपनी है, क्योंकि इंडिविजुअल AOP के पास तो ये होते नहीं है ना, तो अगर किसी भी कंपनी ने ये अमाउंट पे की है डिडक्टेबल ये वर्कर्स वेलफेयर फंड की, तो वो उसका ऐसा डिडक्टेबल अलाउंस अलाउ हो जाता है, ठीक है जी। ये समझ आ गया ना आपको, कोई मसला तो नहीं है,
नो सर। ठीक है जी। अच्छा आगे वर्कर्स पार्टिसिपेशन फंड है, वर्कर्स पार्टिसिपेशन फंड क्या होता है जी? नो सर, आपको समझ नहीं आया? मसला नहीं है सर, मसला नहीं है। ठीक है। अच्छा, अ पर्सन शैल बी एंटाइटल्ड टू अ डिडक्टेबल अलाउंस फॉर द अमाउंट ऑफ एनी वर्कर्स पार्टिसिपेशन फंड पेड बाय द पर्सन इन टैक्स इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ कंपनीज प्रॉफिट। अच्छा, ये भी जो है ना वर्कर्स पार्टिसिपेशन फंड, ये भी कंपनीज पे करती है, हमारे कोर्स में नहीं है, तो इसलिए ये दोनों आपसे कभी भी न्यूमेरिकल में नहीं पूछे जाएंगे। तीसरा क्या जी? तीसरा जी आपके पास जो प्रॉफिट ऑन डेट होता है, ये क्या है? ये पता है क्या? ये कहता है कि अगर आपने लोन लिया, क्या लिया जी? लोन लिया किससे लिया है? एचबीएफसी से। एचबीएफसी का पता है आपको? नो सर। हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन, स्केजुअल बैंक से। इसके अलावा ये भी एनबीएफसी भी है यहाँ पे? हाँ, एनबीएफसी भी है। ठीक है जी। अगर आपने हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन से, स्केजुअल बैंक से, या किसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी से लोन लिया, तो आपको क्या अलाउ होगा, डिडक्टेबल अलाउंस होगा? मुझे एक मिनट दें, एक जरूरी कॉल आ रही है, आप इसको देखें। सुने जी भाई? हाँ जी जी। नो सर, आप नहीं, आप तो कॉल पे था। बस मैं हो गया, करनी है बात या चले आगे? सर वो मैंने पूछा था, वो डिडक्टेबल अलाउंसेस की तो चले समझ आ गई, डिडक्शंस मुझे उतान कर रही थी कि वो क्या था, उन्होंने क्या कहा था डिडक्शन। अच्छा, उसको बाद में देखते हैं, पहले ये वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाए। अच्छा, प्रॉफिट ऑन डेट। अच्छा, आपने लोन लिए किसके लिए? अच्छा लिया किसके लिए, पहले आप ये समझ आएगी, फिर आपको समझ आ जाएगा। घर बनाने के लिए। घर बनाने के लिए, घर खरीदने के लिए। कहाँ से लिए? HDFC से, हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन से, स्केजुअल बैंक से, या नॉन बिजनेस नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, NBFC NBFI बोलते हैं इसे। इनमें से अगर आप इनमें से किसी इदारे से, और ये इदारे क्या हो जाएगी, SECP से रिकॉग्नाइज्ड हो, वो भी हम जाके पढ़ लेते हैं इसकी कंडीशन। अगर आपने इनमें से किसी से लोन लिया है ना, तो जो भी अमाउंट ऑफ लोन लिया है उसके ऊपर जो आप सूद इनको पे करते हो, जब आप लोन लेते हो तो आपको एक खास अमाउंट ऑफ प्रॉफिट पे करना पड़ता है ना, सूद। तो जो भी आप उस पर सूद पे करते हो उसका आपको क्या मिल जाएगा जी? डिडक्टेबल अलाउंस मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? डिडक्टेबल अलाउंस मिल जाएगा। अच्छा, ये पूरे का पूरा डिडक्टेबल अलाउंस नहीं मिलेगा, इसमें इस पे कंडीशन है। क्या कंडीशन है जी? वो लोअर ऑफ होगा। लोअर ऑफ किसके होगा? सबसे पहला 2 मिलियन रुपए, 2 मिलियन, ठीक है जी, या फिर एक्चुअल अमाउंट, या फिर 50% ऑफ 50 है या 50 नहीं चाहिए 50% ऑफ टैक्सेबल इनकम, ठीक है जी। जो आपने अमाउंट ली है, जो आपने लोन लिया है, वो आपको उसके ऊपर जब सूद पे करोगे वो आपको अलाउ होगा एज अ डिडक्टेबल अलाउंस, एंड दैट अमाउंट शुड बी लोअर ऑफ एक्चुअल अमाउंट, एक्चुअल में जब पे करोगे, या फिर 2 मिलियन रुपए, या 50% ऑफ टैक्सेबल इनकम। मैं आपको इसकी एग्जांपल करवाता हूँ, इस कॉन्सेप्ट में तो मसला नहीं है ना? नो सर। चलो
फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए हैं, मिस्टर ए ने लोन लिया है जी एक स्केजुअल बैंक से, कितने का लोन लिया है जी, फॉर एग्जाम्पल 15 मिलियन का, 15 मिलियन का ना लोन लिया है, किसके लिए जी, घर बनाने के लिए, राइट, एट द रेट ऑफ फॉर एग्जाम्पल इसको आप कर दो 20% पर एनम, ठीक है जी, 20 10% पर एनम, राइट, अच्छा, और इनकी जो टैक्सेबल इनकम थी टोटल जो इनकी इनकम इन्होंने कमाई है, वो कितनी थी, वो फॉर एग्जांपल थी आप उसको कर लो 15 है ना, तो उसको आप कर लो 30 मिलियन में कर लो, 3 मिलियन कर लो, 3.5 कर लो, ठीक है, उनकी इनकम कितनी थी, 3.5 मिलियन, ठीक है जी, तो ये 10% के इन्होंने सूद पे लिया, तो इन्होंने टोटल अमाउंट कितनी पे की होगी, 1.5 मिलियन पे किया होगा। अब आप कंप्यूट करें जी, क्या डिडक्टेबल अलाउंस कैसे कंप्यूट करेंगे, सबसे पहले आप लिखोगे इनकम कितनी है उसकी, ये इसका लोगे 50%, कितना बनता है, 1.75 मिलियन जी सर। एक ये अमाउंट है, पहले ये आ गई, दूसरी एक्चुअल पेमेंट कितनी की है उसने, ये 1.5 मिलियन, राइट, सर ये 1.5 मिलियन लोन ही था, नहीं 15 मिलियन लोन है ना, तो उसका 10% हमने लिया है, ठीक है सर, ठीक है, और तीसरी क्या चीज है जी, 2 मिलियन रुपए, इनमें से जो सबसे छोटा है ना वो आपको अलाउ हो जाएगा डिडक्टेबल अलाउंस, सबसे छोटा कौन सा है, ये वाला, यस सर, जो आपने एक्चुअल पेमेंट किया, हाँ, तो ये इस इनकम में समाहित हो जाएगी, ये आपको डिडक्टेबल अलाउंस सर, अब इस अमाउंट पे आपने टैक्स देना है, ठीक है जी, सिनेरियो समझ आ गया आपको सारा, यस सर, कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन, नो सर, अच्छा जी ठीक है, अब हम आखिरी वाला पढ़ लेते हैं, इसी तरह आसान सा, अगर आपके अगर एक बंदा टैक्स पेयर उसके बच्चे पढ़ते हैं तो वो जो उनकी फीसेस देता है ना, जो उसकी उनकी फीस पे करता है, उसके ऊपर भी क्या होगा जी, उसको डिडक्टेबल अलाउंस मिल जाएगा, वो किसके बराबर होगा, अमाउंट लोअर ऑफ ठीक है जी, अमाउंट जो उसने एक्चुअली पे की है 60,000 इनटू नंबर ऑफ चिल्ड्रन
या 5% ऑफ टैक्सेबल इनकम प्रोवाइडेड कंडीशंस एज पर ठीक है जी, कुछ कंडीशंस हैं। सत्रह ऊपर क्या कंडीशंस थी हमारे? 1.5 ये आपने 15 1.5 मिलियन 1.5 मिलियन जो बंदा है ना उसकी सैलरी जो है ना वो 1.5 मिलियन से कम होनी चाहिए तब उसको ये वाला अलाउंस मिलता है। राइट ठीक है। अच्छा जी, ये अब हम पढ़ लेते हैं। इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? ये न्यूमेरिकल करवा दूं इसका भी? सर ये मतलब 1.5 मिलियन एक अलहदा कंडीशन है और ये अलहदा कंडीशन है कि उसकी वो 5% से ज़्यादा ट्यूशन फी 5% से ज़्यादा। देखो ये अलाउंस अलाउ आपको कब होगा? जब आपकी सैलरी जो है ना 1.5 मिलियन से कम होगी। पहले ये समझ आ गई आपको? यस सर। अब हमें ये देखने की अलाउंस अलाउ कितना होगा, कितना होगा वो इस फॉर्मूले से निकलता है। ये कब होगा, ये कितना होगा? सही है सही। ठीक है जी, न्यूमेरिकल मेरे ख्याल में जरूरत है उसे करवा ही देता हूँ। और अलाउंस शैल नॉट टेकन इनटू अकाउंट फॉर कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स डिडक्शंस फ्रॉम सैलरी अंडर सेक्शन 149। इस लाइन का क्या मतलब है? ग्रॉस ग्रॉस पे लेना है ना, ग्रॉस। ये एक सैलरी का कॉन्सेप्ट है कि मैं आपको आगे चल के अगले चैप्टर में बताऊंगा ये क्या होता है ग्रॉस और नेट। राइट, इसमें काफी सारी चीजें तो मैंने भी आपको नहीं बताई, मैं आपको डिटेल में इनकी डिटेल्स हैं चीजों की। अभी तो मैं सिर्फ एक वो बिल्ड कर रहा हूँ, थोड़ा सा आपका दिमाग खोल रहा हूँ। सैलरी फॉर हमारे बंदे की 2 मिलियन और उसके उसने ट्यूशन फी पे की है फॉर एग्जाम्पल 1.5 लाख रुपए और उसके नंबर ऑफ चिल्ड्रन है 2। नायाब इसकी कितने, इस पे कितना अलाउंस देंगे उसको? सर इसपे सर ये कंडीशन ही नहीं मेट कर रही, सैलरी उसकी 2 मिलियन से ज्यादा है, ऊपर आपने कहा 1.5 होनी चाहिए तब देंगे, तो इसको डिडक्टेबल अलाउंस मिलेगा ही नहीं। राइट, इसी तरह अगर ये सिनेरियो ऐसे लिखा होता ना कि सैलरी जो है उसकी 1.4 मिलियन होती है। सर अगर 1.5 मिलियन होगी सैलरी तब मिलेगा या नहीं? तब भी मिलेगा। ठीक है ठीक है, अब हम ये थोड़ा सा देख लेते हैं। मेरे ख्याल में ये आज इतना बहुत है, काफी हो गया आज। और अभी इसको 1,20,000 मिलेगा ना सर अलाउंस? कंप्यूट कर लेना आप। हाँ, लोअर ऑफ 60,000 इनटू 2 करके देख लें। यस यस सर। हाँ, और 5%। अच्छा नहीं नहीं इसका 5% भी लेके देखो, 1.4 मिलियन इसका 5% लेके देखो कितना बन रहा है। 5% मान रहा 70,000 रुपया ये वाली कंडीशन में देखो ना। ओ सही सही, तो ये 70,000 जो सर से कम होगा वो फिर, सॉरी जो सबसे सर से कम होगा। हाँ ये और अच्छा यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है टैक्सेबल इनकम, हालांकि आपको पता है टैक्सेबल इनकम कैसे कंप्यूट होती है? टैक्सेबल इनकम कैसे कंप्यूट होती है? टोटल इनकम में से यस सर ऑल अनडिटेक्टेबल लेस करके रखते हैं। ठीक है, लेकिन ये क्या कह रहा है कि 5% ऑफ किस चीज की है? टैक्सेबल कंफ्यूजिंग है या नहीं है, समझ आया मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? नो सर, पॉइंट तो नोट कर लिए लेकिन समझ नहीं आया कि आप क्या। ये देखो द अमाउंट ऑफ डिडक्टेबल अलाउंस अलाउड शैल नॉट एक्सीड 50% ऑफ टैक्सेबल इनकम एंड हियर यू हैव अच्छा 25% ऑफ टैक्सेबल इनकम। यार ये कंडीशंस देख लेना,
5% ऑफ टोटल ट्यूशन फी और 25% ऑफ टैक्सेबल इनकम, ये मैंने उल्टा लिख दिया यहाँ पे, ये एक्चुअल पेड नहीं है, ये एक्चुअल पेड नहीं है, ये 5% ऑफ एक्चुअल पेड है और ये 25% है, ये मैं कंफ्यूज हो गया था, मैंने गलत लिख दिया, ठीक है इसको रेक्टिफाई कर लीजिएगा, फिर इस हिसाब से ये इसका आंसर भी डिजाइन कर लीजिएगा। ओके अच्छा क्या बता रहा था मैं आपको, यहाँ पर ये वर्ड क्या लिखा हुआ है 25% ऑफ टैक्सेबल इनकम, हमें पता है टैक्सेबल इनकम कब निकलती है, इनकम में से लेस करके डिडक्टेबल अलाउंस, तो टैक्सेबल इनकम आती है, ये तो पता है ना आपको। यस सर, यस सर, लेकिन सर ये अलाउंसेस ही तो हैं, निकाल सॉरी तो हर अलाउंस को पहले हम टैक्सेबल इनकम में से डिडक्ट करेंगे, फिर दोबारा जो अमाउंट आएगी फिर उसका अलाउंस। इसमें दो सिनेरियो होते हैं, इसमें देखिए दो सिनेरियो होते हैं, पहला सिनेरियो क्या हो सकता है कि हम अज्यूम करें कि जो टैक्स लॉ है ना उसके अंदर वर्डिंग गलत लिखा हुआ है, यानी उसने लिखना क्या था टोटल इनकम, टोटल इनकम ठीक है, पहला तो ये सी सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो क्या है कि आप ग्रॉस अप करके देखें, ठीक है ग्रॉसिंग अप करके देखें, ये एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स चीज है ग्रॉसिंग अप करना, कि पहले माइनस करो तो ग्रॉस अप करो उसके बाद निकालो, तो आप लोग यहाँ पे क्या अज्यूम करके चल रहे होंगे टोटल इनकम, टोटल इनकम आप लोग जहाँ पे भी कंप्यूटेशन प्रैक्टिकली कर रहे होगे क्या लेके चेक कर रहे होगे, टोटल इनकम का लेके चल रहे हो, समझ आ गई कहानी। यस कोई क्वेश्चन है इसमें या नहीं है? अब क्लियर है सर, आप लोग बताएं जी दोनों, कोई मसला तो नहीं है ना सर? ठीक है जी, हाँ ये देखे ना इसने यहाँ पे भी क्या किया हुआ है, ये देखो यहाँ से कैसे कंप्यूट की हुई है, इसको इसने जो ग्रॉस इनकम लिया टोटल इनकम, टोटल इनकम ली हुई है सर, इसमें से एग्जेम्प्ट इनकम माइनस किया, इसको इसने टैक्सेबल इनकम बोल, टैक्सेबल इनकम कैसे निकाली है, इस इनकम में से इसको माइनस किया हुआ है, राइट राइट सर।